Hello friends, welcome back to your own channel Unique Inspiration, जहां हम करते हैं English की practice और करते हैं अपनी English को improve, सीखकर नए English words. तो शुरू करते हैं आज का video और देखते हैं कि पहला sentence कौन सा है. आज का पहला sentence है, सरिता और रेखा एक शहर से हैं. Sarita and Rekha are from the same city. Sarita and Rekha are from the same city. चलो दूसरे कमरे में चलते हैं. Let's move to the next room. Let's move to the next room. मैं फुटबॉल खेलने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ. I am too small to play football. I am too small to play football. आप अपनी दुकान कितने बजे खोलते हैं? What time do you open your shop? What time do you open your shop? What time do you open your shop? हमारा घर यहाँ है. Our house is here. Our house is here. क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? आप शॉपिंग के लिए गए हैं, वहाँ जब आप बिल का पेमेंट करते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई कैश ही लेते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं. तो क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? इंग्लिश में कहेंगे, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? मेरा कमरा कौन सा है? विच इज़ माई रूम. विच इज़ माई रूम. माफ़ करिए, नहीं. आपने पूछा कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपको आंसर मिला कि नहीं, हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते. आई एम सॉरी वी डोंट. आई एम सॉरी वी डोंट. मैं आशावादी व्यक्ति हूँ. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा. आई कांट फाइंड माई बैग. आई कांट फाइंड माई बैग. वह बहुत ऊर्जावान है. कुछ लोगों को हम देखते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनमें. चाहे आप सुबह को मिलो, चाहे आप दोपहर को मिलो, चाहे आप रात को मिलो, आप हमेशा उन लोगों को फुल ऑफ एनर्जी देखेंगे. तो जब हम ये कहते हैं कि भाई उसमें तो बहुत एनर्जी है, वो बहुत ऊर्जावान है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. या फिर शी इज़ वेरी एनर्जेटिक. मेरा कंधा अकड़ गया है. माई शोल्डर इज स्टिफ. माई शोल्डर इज स्टिफ. मुझे खाली समय में खाना बनाना पसंद है. आई लाइक कुकिंग इन माई स्पेयर टाइम. आई लाइक कुकिंग इन माई स्पेयर टाइम. या आप जो भी खाली समय में करना पसंद करते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वो आप कुकिंग की जगह पर ऐड कर सकते हैं. आई लाइक सिंगिंग इन माई स्पेयर टाइम. आई लाइक प्लेइंग गिटार इन माई स्पेयर टाइम. लाइक दैट. क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद है? किसी से आप पूछते हैं कि भाई आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, इंग्लिश में पूछेंगे डू यू लाइक टू कुक. डू यू लाइक टू कुक. नेक्स्ट इज, जब तुम ख़त्म कर लो तब कॉल करना. कोई काम कर रहा है, आपका कलीग कोई काम कर रहे हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, जब आप ये काम ख़त्म कर लो तब आप मुझे कॉल कर देना. कॉल मी बैक व्हेन यू फिनिश दिस वर्क. कॉल मी बैक व्हेन यू फिनिश दिस वर्क. मैं कपड़े धो रही हूँ. I am doing the laundry. I am doing the laundry. हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए. We should do something about it. We should do something about it. ये महक कैसी है? What's that smell? What's that smell? यह बड़ा मज़ेदार है. This is really funny. This is really funny. नेक्स्ट सेंटेंस इज, दोपहर में मिलते हैं. लेट्स मीट एट नून. लेट्स मीट एट नून. तुम्हें अब सोना चाहिए.
You should go to bed. You should go to bed. मुझे बिजली का बिल भरना है. I have to pay my electricity bill. I have to pay my electricity bill. हमारे लिए कहानी पढ़ दो. रात में छोटे बच्चों को अक्सर कहानी सुनने का शौक होता है. वो अपनी कोई बुक्स लेकर आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे कि इसमें से एक कोई कहानी पढ़ दीजिए. तो इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज रीड अस अ स्टोरी. प्लीज रीड अस अ स्टोरी. तुम कहाँ काम करते हो? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क? क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? कैन आई ओपन द विंडो? कैन आई ओपन द विंडो? क्या मैं ये शर्ट देख सकता हूँ? कैन आई सी दैट शर्ट? कैन आई सी दैट शर्ट? वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं. दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू कम विद मी? डू यू वॉन्ट टू कम विद मी? हर सुबह तुम्हें कौन कॉल करता है? हु कॉल्स यू एवरी मॉर्निंग? हु कॉल्स यू एवरी मॉर्निंग? क्या तुमने कुछ खरीदा? डिड यू बाय एनीथिंग? डिड यू बाय एनीथिंग? क्या वह बहुत अच्छी व्यक्ति है? आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं जिसको कि आपका फ्रेंड जानता है, आप नहीं जानते. आप पूछते हैं कि क्या वो बहुत अच्छा है या क्या वो बहुत अच्छी पर्सन है. तो इंग्लिश में पूछेंगे, इज शी अ वेरी नाइस पर्सन? इज शी अ वेरी नाइस पर्सन? नहीं, ये महंगा नहीं था. नो, इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव. नो, इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव. वह हर सुबह काम पर जाता है. एवरी मॉर्निंग ही गोज टू वर्क. एवरी मॉर्निंग ही गोज टू वर्क. तुम्हारी याददाश्त अच्छी है. यू हैव अ गुड मेमोरी. यू हैव अ गुड मेमोरी. मेरी इस सोमवार को छुट्टी है. आई एम ऑफ दिस मंडे. आई एम ऑफ दिस मंडे. वह अभी भी सो रहा है. ही इज स्टिल स्लीपिंग. ही इज स्टिल स्लीपिंग. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए. वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस चैनल, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. फैमिली फ्रेंड्स कलीग के साथ में इस वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए. मिलती हूँ मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.